तो दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ट्रेंड होता क्या है। बिकॉज मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, जब हम प्राइस स्ट्रक्चर को चार्ट के ऊपर में देखते हैं, तो हमारा पहला एम एंड चीफ एम होना चाहिए कि हम मार्केट के प्रिवेलिंग ट्रेंड को सही तरीके से आइडेंटिफाई करें, ताकि हम सही दिशा में ट्रेड ले सकें। और इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस की जो शुरुआत होती है, वो होती है दोस्तों मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने से। सो दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि मार्केट ट्रेंड होता क्या है। और दोस्तों, इसके लिए मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि हमने चार्ल्स एम डाउ की, जो मॉडर्न डे टेक्निकल एनालिसिस के दे आर नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न डे टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस उनके ही डॉक्ट्रिन पे आधारित है, जो 100 से अधिक सालों से दुनिया में एक एस्टैब्लिश्ड मेथड है, एक प्रूवन मेथड है फाइनेंशियल मार्केट को एनालाइज करने के लिए। और हमने डाउ डॉक्ट्रिन्स के ऊपर में काफी वक्त दिया है दोस्तों, उनके 6 डॉक्ट्रिन्स को समझने के लिए, क्योंकि जो कि आधार है, जो फाउंडेशन है टेक्निकल एनालिसिस के। तो मैं उनमें से एक डॉक्ट्रिन में आपके अटेंशन को ड्रॉ करना चाहूंगा, और वो है दोस्तों मार्केट मूव्स इन ट्रेंड्स। एक डॉक्ट्रिन जो उनका 6 में से एक डॉक्ट्रिन पे उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि मार्केट जो है वो ट्रेंड में मूव करता है। और दोस्तों, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या ट्रेंड है जिसमें मार्केट आज की डेट में मूव कर रहा है, ताकि हम उस ट्रेंड को पहचान कर उसी दिशा में हम अपने ट्रेड को एनालाइज करें, और अपना बायस जो है, अपना ओवरऑल बायस जो है एज ए ट्रेडर, वो उस दिशा में रखें। एज ए टेक्निकल एनालिस्ट ऑल्सो हमारा बायस उस दिशा में होना चाहिए। तो दोस्तों, हम मार्केट ट्रेंड को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और वो है दोस्तों मार्केट ट्रेंड एक जो ऑब्जर्व टेंडेंसी है फाइनेंशियल मार्केट की, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, या फिर करेंसी मार्केट हो, कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवर द पीरियड कैसे मूव कर रहा है। एक दिन में, दो चार दिन में, उसमें अप एंड डाउन कोई मीनिंग नहीं रखता है दोस्तों, बिकॉज मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में अपसाइड में नहीं जाता है, या स्ट्रेट लाइन में उसका फॉल नहीं होता है। मार्केट एक वेवल फॉर्मेशन करता है, वेव की तरह मूव करता है। और दोस्तों, इसीलिए हमें ओवर द पीरियड ये पता लगाना जरूरी है कि वो ट्रेंड जो है वो क्या प्रिवेल कर रहा है। सो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेंड आर देयर। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के ये ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में। तो ब्रॉडली दोस्तों, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स आर देयर, 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं दोस्तों। और वो है दोस्तों, पहला जिसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं, या उसे बुलिश ट्रेंड भी बोला जाता है। और इस वक्त में मार्केट दोस्तों, मार्केट राइज करता है, इट इज अ राइजिंग मार्केट। अब दोस्तों, ब्रॉडली इसको समझिए कि जैसा हमने ट्रेंड की परिभाषा में समझा, उसकी डेफिनेशन में समझा, कि ये जो मार्केट राइज करता, ओवर द पीरियड राइज करता है। ऐसा नहीं होता कि डेली मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो ओवर द पीरियड में इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेंड में मार्केट में जो डिमांड होती है वो ओवर द पीरियड सप्लाई से बहुत अधिक होती है, और इसीलिए बायर्स दोस्तों इस मार्केट में डोमिनेट करते, इस ट्रेंड में डोमिनेट करते हैं। सो दोस्तों,
ये पहला इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। और अगर हिस्टोरिकली दुनिया के किसी भी मार्केट का डेटा देखें, हमारे देश में तो मार्केट का डेटा बहुत पुराना उपलब्ध नहीं है, बट अगर हम दूसरे देशों का, खास करके अमेरिकन मार्केट का अगर हम डेटा देखें, तो ब्रॉडली हम देख सकते हैं कि अधिक समय तक बुलिश ट्रेंड जो होता है वो ज्यादा लंबे समय तक चलता है। अगर आप S&P 500 या फिर नैसडेक के चार्ट को देखें और या इवन अपने निफ्टी के चार्ट को देखें, तो दोस्तों इससे पता लगेगा कि जो बेरिश ट्रेंड होता है या जो मार्केट का डाउन जाने का वक्त होता है, वो लास्ट नॉर्मली 9 मंथ से लेकर 12 मंथ तक नॉर्मली करता है। सो दोस्तों, अप ट्रेंड प्रिवेल कर सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। तो दोस्तों इस अप ट्रेंडिंग मार्केट में इसे पहचानना चार्ट के ऊपर में बहुत जरूरी है, ताकि हम नॉट ओनली कि अपने राइट पोजीशन को ले सके उस दिशा में, बट उस ट्रेंड को राइट करने की क्षमता डेवलप कर सके जहां पे एक बड़ा पैसा बनता है। अधिकतर ट्रेडर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो ट्रेंड को राइड नहीं करते हैं। और जैसा मैंने बोला, ओवर द पीरियड, जैसा अभी परिभाषा में हम लोग देखा ट्रेंड की परिभाषा में, ओवर द पीरियड मार्केट के चार्ट पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी दिशा क्या है। और जब हम ओवर द पीरियड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो बीच बीच में वो नीचे नहीं गिरेगा। यस दोस्तों, मार्केट जैसा मैंने बोला कि वो वेव की तरह ऊपर जाता है, जिसे हम स्विंग्स भी बोलते हैं, और इसी पे आधारित है स्विंग्स ट्रेडिंग का कंसेप्ट। और किस तरह से वो स्विंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो आने वाले सीरीज में हम आगे जीरो टू हीरो में वो भी सीखेंगे कि स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके किस तरह से हम ट्रेडिंग में उसे स्ट्रेटजी का हिस्सा बना सकते हैं, ताकि वो हमारे फेवर में काम करे। अब दोस्तों, दूसरा ट्रेंड जो होता है वो होता है डाउन ट्रेंड, जिसे हम बेरिश ट्रेंड भी बोलते हैं। ये जस्ट अपोजिट है अप ट्रेंड का। यहां पे मार्केट नीचे गिरता है। और क्या फिर वो स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरता है? नहीं दोस्तों, यहां पर भी वेव का फॉर्मेशन होता है, यहां पे भी स्विंग्स का फॉर्मेशन होता है, बट ओवर द पीरियड मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है, तो इसे हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। दोस्तों आगे हम समझेंगे कि उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है दोस्तों। और तीसरा ट्रेंड जो होता है दोस्तों, जिसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। जैसा इसका शब्द इंडिकेट करता है, इसका जैसा नाम सजेस्ट करता है, वो है कि ये मार्केट ना कि नाइदर अप ट्रेंड में है और ना ही डाउन ट्रेंड में है। तो फिर क्या है ये मार्केट? ये दोस्तों, ये पीरियड ऐसा पीरियड है जहां पे मार्केट एक रेंज में ट्रेड होता है, और इसीलिए इसे रेंज बाउंड भी कहा जाता है, या इसे कंसोलिडेशन फेज भी कहा जा सकता है। तो ये एक ऐसा फेज है जहां ना मार्केट अप ट्रेंड में है ना मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ब्रॉडली मार्केट के ये तीन प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं, और जब हम इन्हें आइडेंटिफाई करेक्टली कर लेते हैं, तो दोस्तों हमारा बायस जो होता है मार्केट में एनालिसिस करने का और ट्रेड को लेने का, वो सही होता है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि ट्रेंड शुड बी अवर फ्रेंड, एंड उससे ट्रेंड से दोस्ती हम तभी कर सकते हैं दोस्तों, जब ट्रेंड को जानेंगे, ट्रेंड को पहचानेंगे कि चार्ट के ऊपर में आज के वक्त में जहां हम एनालिसिस कर रहे हैं, उस समय ओवरऑल ट्रेंड क्या दर्शा रहा है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि ये तीन प्रकार के जो ट्रेंड्स हमने अभी डिस्कस किए, इसमें ट्रेडर्स के एट लार्ज इमोशंस क्या होते हैं, जिसे हम सेंटीमेंट्स भी बोल सकते हैं, और
ये सेंटिमेंट्स दर्शाते हैं कि वो ट्रेंड में एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट, एक अच्छा ट्रेडर उस सेंटिमेंट्स को समझता है, क्योंकि चार्ट के स्ट्रक्चर को देख के वो मार्केट को, सेंटिमेंट्स को समझता है और सही दिशा में ट्रेड लेता है, क्योंकि वो सेंटिमेंट्स को समझ रहा है, मार्केट की लैंग्वेज को समझ रहा है, मार्केट की भाषा को समझ रहा है, उसमें जो कैंडल स्टिक्स फॉर्म हो रहे हैं। तो जितने भी हम टेक्निकल एनालिसिस को ज्ञान में चीजों को सीखते हैं, अलग अलग टॉपिक को, उसे कंबाइन करके ये सेंटिमेंट को हम पता लगाते हैं। एंड दोस्तों, ओवरऑल मैं आपको अब शेयर करना चाहूंगा कि मार्केट सेंटिमेंट्स ये अलग अलग प्रकार के ट्रेंड में किस तरह से होते हैं। तो दोस्तों, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, बुलिश होता है, तो बहुत ऑप्टिमिज्म होता है, बहुत उत्साह होता है मार्केट में। आप हर जगह स्ट्रीट पे भी सुनेंगे, अरे वाह, वो शेयर ऐसा जा रहा है, मार्केट वैसा ऊपर जा रहा है। और दोस्तों, जब एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म मार्केट में आ जाए, तो आप ये समझ जाइए कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक मेजर करेक्शन आने की संभावना बहुत अधिक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल छपा था जमानों पहले, जो एक बहुत फेमस ट्रेडर ने उस आर्टिकल को लिखा था, और उसने बोला था, जब आपको एक स्ट्रीट पर ऑटो ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, और या स्ट्रीट पर इस तरह की बातें सुनाई देने लगे कि ये मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मैंने ये शेयर खरीद लिया, मैंने वो शेयर खरीद लिया, इस तरह की बातें होने लगे, तो दिस इज द टाइम, अगर आप ट्रेंड को राइड कर रहे हैं, तो प्रोबेबली चार्ट को रीचेक कीजिए, जरूर उसमें आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने की संभावना है, और वो इंडिकेट करता है कि मार्केट टॉप होने जा रहा है, और उस समय प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए, आपके स्टॉप लॉस बहुत टाइट होना चाहिए। तो बहुत वाइड स्केल ऑप्टिमिज्म होता है मार्केट में। दूसरा, जब ट्रेंड दोस्तों डाउन ट्रेंड होता है, जिसे हम बेरिश ट्रेंड भी बोलते हैं, उस समय पे वाइड स्प्रेड पेसिमिज्म होता है। नहीं, मेरा तो मार्केट बहुत खराब चल रहा है, कई तरह की बातें होती हैं, एक मार्केट में जनरल फियर होता है। और दोस्तों, जो लोग बहुत दिन तक होप में बैठे थे, स्टॉक लेने के बाद नुकसान में बैठे थे, वो अंत में इतने हताश हो जाते हैं कि वो मार्केट से निकलना चालू करते हैं। और शायद ये एक्सट्रीम पेसिमिज्म का माहौल जब होता है, अगर चार्ट में उस वक्त पे एनालाइज कीजिएगा, तो दोस्तों आपको हो सकता है वो इंडिकेशन मिले कि ये शायद एक्यूमुलेशन फेज है। मैं फिर वापस दोस्तों डाउ डॉक्ट्रिन पे ले जा रहा हूं, क्योंकि 6 डॉक्ट्रिन्स जो डाउ के हैं, उन्हें बार बार देखिए, बार बार समझिए, क्योंकि इसके बाहर की चीजें जो हैं, बाकी सब मैथमेटिकल है, बट वो बेसिक ऑब्जर्वेशन जो डाउ डॉक्ट्रिन्स बने हैं, 255 आर्टिकल्स जो चार्ल्स एम डाउ ने आज से 100 साल पहले मार्केट को ऑब्जर्व करके लिखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आधार है, वही फाउंडेशन है दोस्तों मार्केट को एनालाइज करने का। तो डाउन ट्रेंड में वाइड स्प्रेड पेसिमिज्म होता है, और ये वक्त है दोस्तों कि शायद मार्केट बाइंग की अपॉर्चुनिटी देने की कगार पे खड़ा है, बहुत जल्दी ही ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि हम अक्यूमुलेशन फेज को अगर ऑब्जर्व करते हैं और पेशेंटली इंतजार करते हैं उस फॉर्मेशन को होने का और वहां पे ब्रेकआउट होने का, तो दोस्तों वही वक्त है जहां एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने का मौका है, क्योंकि अच्छे से अच्छे कंपनियों के स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों के स्टॉक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे उपलब्ध हैं। तो वैल्यू बाइंग हो सकती है, और टेक्निकल एनालिसिस को कैसे वैल्यू बाइंग में हम कंबाइन करते हैं, कि जब तक हम उस फेज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जो डाउ डॉक्ट्रिन्स में हमको मार्केट फेजेस में हमने सीखा है,
तो दोस्तों ये वाइड स्प्रेड पेसिमिज्म जो है ये रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में होता है, और यही वक्त होता है कि बहुत जल्दी शायद स्मार्ट मनी मार्केट में फ्लो होने वाली है, इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो होने वाली है, जो मार्केट क्लियर इंडिकेशन देगा। जो डाउ का एक और डॉक्ट्रिन बोलता है कि मार्केट ट्रेंड में मूव करता है और ट्रेंड इंटैक्ट रहता है जब तक कि वो एक डेफिनेट सिग्नल ना दे दे रिवर्सल का। तो ये जब एक्सट्रीम पेसिमिज्म है दोस्तों, तो ये वक्त है कि वो सिग्नल का इंतजार करना है एंड बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। और दोस्तों तीसरा ट्रेंड जो है साइडवेज ट्रेंड, रेंज बाउंड, कंसोलिडेशन फेज, ये दोस्तों सबसे डिफिकल्ट फेज होता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ना ये अप ट्रेंड है और ना ये डाउन ट्रेंड है। तो यहां क्या होता है दोस्तों, अधिकतर ट्रेडर के बीच में एक कंफ्यूजन का माहौल होता है। वो कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों कि बाई करें, लॉन्ग पोजीशन लें कि शॉर्ट पोजीशन लें। और दोस्तों जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर होते हैं, एक्सपीरियंस्ड टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, अगर वो रेंज काफी वाइड है जिसमें मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसमें एक स्ट्रेटजी बनती है जिसे हम रेंज ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इसे भी दोस्तों हम आगे वाले सीरीज में सीखेंगे, बट ये एक बहुत एक्सपीरियंस्ड काम है रेंज ट्रेडिंग करना। बट बहुत आसान है जब मार्केट अप ट्रेंड में है वहां पे ट्रेड करना, और डाउन ट्रेंड में है। ये दो मेजर जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, यहाँ पे ऑलवेज इजी होता है ट्रेड करना, और यही स्टेज है जहां पे अधिकतर पैसा बनता है। मार्केट बार बार मौका देता है, बार बार अपॉर्चुनिटी देता है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडर का संभावित एक्शन क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड एक्शन क्या होना चाहिए प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस में। क्योंकि मार्केट के तीन टाइप के ट्रेंड्स हमने सीख लिए, अब वो तीन टाइप के ट्रेंड्स में हमें करना क्या है, ये दोस्तों बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में। कभी हम बाई करते हैं, कभी हम सेल करते हैं, कभी लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, कभी शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेंड का एनालिसिस ही गलत होता है। और इसीलिए दोस्तों हमारा बायस जो है वो गलत नहीं होना चाहिए मार्केट के प्रति। और इसीलिए जब एक बार हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा ट्रेडिंग का पोजीशंस जो है वो किस दिशा में होगा वो डिसाइड होता है। तो दोस्तों ये हम समझते हैं कि जब मार्केट बुलिश है या अप ट्रेंड में है, तो दोस्तों हमें हमेशा लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए, मतलब बाई लो में करें और सेल हाई में करें। अब दोस्तों अगर ट्रेंड ऊपर में अप ट्रेंड है, तो उस पीरियड में अगर मार्केट करेक्ट कर रहा है, तो हमें पेशेंटली इंतजार करना है उस अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि मार्केट सडनली अपॉर्चुनिटी देगा, मे बी 1 वीक के बाद, 10 डेज के बाद, 15 डेज के बाद, और मे बी 1 मंथ के बाद। तो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव में हमेशा वो लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है जब भी मार्केट वो अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का जो है ओवर द पीरियड वो बुलिश है, वो अप ट्रेंड है। एंड दूसरा दोस्तों, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, जिसे हम बेरिश ट्रेंड भी बोलते हैं, उस वक्त में दोस्तों हमेशा हमें सेल साइड में होना चाहिए, माने शॉर्ट साइड में होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देता है। सेल हाई एंड बाय लो, ऊपर के प्राइस पे हम बेचते हैं और नीचे के प्राइस पे हम खरीदते हैं, और यह संभव केवल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में है इस तरह का ट्रेड करना, ये इक्विटी स्पेस में पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम हमेशा अपनी पोजीशन को
सही दिशा में बरकरार रहे। और दोस्तों, जब मार्केट साइडवेज में हो, रेंज बाउंड हो या कंसोलिडेशन फेज में हो मार्केट, तो यहां पर जो मेथड है वो है रेंज ट्रेडिंग की मेथड है। लेकिन वो रेंज जब तक ब्रॉडर नहीं होगा, हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो प्रॉपर नहीं मिलेगा, क्योंकि मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो में हम काम करेंगे भी तो 1:2 से रिस्क रिवार्ड रेशियो में काम नहीं करना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा रिस्क जो आ रहा है पर शेयर स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने के आधार पर, अगर उस रिस्क से दुगना या उससे अधिक प्रॉफिट मिलने की संभावना नहीं है, एटलीस्ट 2 times ऑफ द रिस्क और मोर प्रॉफिट मिलने की संभावना नहीं है, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि रेंज जो है कंसोलिडेशन की वो बहुत नैरो है और यहां रेंज ट्रेडिंग की भी अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। तो फिर क्या करना चाहिए दोस्तों? कुछ नहीं करना चाहिए। इस पीरियड में हमें रेंज ट्रेडिंग के कंसेप्ट में जो हमने बताया, अगर रेंज आकार का आपका ब्रॉडर है तो हम सपोर्ट लेवल पे बाई कर सकते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पे सेल कर सकते हैं। एंड रेजिस्टेंस लेवल पे सेल कर सकते हैं माने शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, एंड सपोर्ट लेवल पे बाई कर सकते हैं। यहां पे सेल किया, इस जगह पे बाई किया। तो इस रेंज ट्रेडिंग में जो मार्केट ऑसिलेट कर रहा है, इस ऑसिलेशंस का फायदा तब मिल सकता है दोस्तों जब रेंज ब्रॉडर हो और रिस्क रिवार्ड रेशियो में वो ट्रेड बैठ रहा हो। और अगर वो रेंज बहुत नैरो है दोस्तों, इतनी नैरो है कि जिसमें जो हम स्टॉप लॉस जो हमारा कैलकुलेट हो रहा है, जो भी मेथड हम अडॉप्ट करते हैं उससे जो कैलकुलेट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उससे कम से कम 2 times या मोर प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। लेकिन अगर रेंज बहुत नैरो है, इसका मतलब अगर हमने सपोर्ट पे बाई किया तो बहुत पास में ही रेजिस्टेंस है जहां पे सप्लाई इमर्ज होने के चांस है और वहां पे सेलर्स पहले से बैठे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं मिल सकता है दोस्तों। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में डू नथिंग, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें डिसाइसिव ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। इस रेंज के बाहर जब प्राइस चली जाए तो कुछ ना कुछ फॉर्मेशन बनेगा और मार्केट मौका देगा। मार्केट दोस्तों बहुत लंबे वक्त तक ऐसी स्थिति में नहीं चल सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी ना दे, और इसीलिए समटाइम्स नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। सो ऐसे ट्रेड में जहां पे नैरो रेंज है, हम कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार के जो ट्रेंड है उसमें अब हम समझते हैं दोस्तों कि जो चार्ट का स्ट्रक्चर होता है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है, ताकि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हमें आसानी हो सके। जब एक बार हम मार्केट के स्ट्रक्चर को या चार्ट के स्ट्रक्चर पर को समझ सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना है कि जब अप ट्रेंडिंग मार्केट है या बुलिश ट्रेंड में है मार्केट, तो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो दोस्तों, इस समय पे मार्केट का जो फॉर्मेशन होता है, वो मार्केट हमेशा हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है। मतलब मार्केट एक अपसाइड दिशा में जाएगा, उसके बाद जो मैंने बोला कि बार बार वेवल फॉर्मेशन होता है, वेव का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि मार्केट अगर अप ट्रेंड में भी है तो स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरता है तो पिछला जो लो है मार्केट का, उसके नीचे नहीं जाता है। और दोस्तों, वहां से करेक्शन समाप्त होता है
और फिर मार्केट अपने ओरिजिनल ट्रेंड में, जो कि अप ट्रेंड है, उस दिशा में मार्केट मूव करना चालू करता है और पिछला जो हाई है उसको तोड़ के वो फिर ऊपर जाता है। तो इस प्रकार से मार्केट में हायर हाईज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन होता है। चलिए इसको पिक्टोरियली समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आप देखिए, एक स्विंग है, मार्केट ने ऊपर की दिशा को पकड़ा और इसके बाद मार्केट ने जब करेक्शन लिया, तो आप देखें मार्केट ने जो करेक्शन लिया वो पिछले लो के नीचे नहीं गया और यहां पे करेक्शन की समाप्ति होगी और इसके बाद मार्केट फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करेगा और आप देखेंगे पिछला जो हाई है उससे हायर प्राइस पर वो चला जाएगा। फिर वो समय आएगा कि मार्केट नीचे आएगा, जैसा हमने डिस्कस किया कि मार्केट कंटिन्यूअसली वेव फॉर्मेशंस में मूव करता है, अगर अप ट्रेंडिंग हो या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट हो। और फिर मार्केट दोस्तों अनदर हाई बनाएगा, फिर दोस्तों मार्केट करेक्ट करेगा और फिर मार्केट दोस्तों अनदर हाई बनाएगा। तो इस तरह से मार्केट करेक्ट करता है और एक नया हाई बनाता है दोस्तों। और ये जो दिशा है तो इसे ही हम स्विंग्स बोलते हैं कि मार्केट ने हाई बनाया, करेक्शन लिया, तो हाई जो बनाया वो एक स्विंग हुआ और फिर मार्केट ने नीचे करेक्ट लिया, उसे भी हम स्विंग्स बोलते हैं। तो बेसिकली अप ट्रेंडिंग मार्केट में अपसाइड दिशा का जो स्विंग है उसका साइज लार्जर होता है और जो करेक्शन होता है मार्केट में तो वो जो स्विंग का साइज होता है वो स्मॉलर होता है। अब दोस्तों ये स्विंग का फॉर्मेशन आप इसे देखें तो ये मार्केट कर क्या रहा है दोस्तों, ये मार्केट दोस्तों हायर, इसने ये हाई बनाया, इसके बाद ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, मतलब हायर हायर का फॉर्मेशन हो रहा है और यहां पे दोस्तों लोअर लो का हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि प्रीवियस लो को मार्केट नहीं तोड़ रहा है। अब दोस्तों इसको समझते हैं कि अगर हम इसको, ये नीचे का जो लो है इसे कनेक्ट करके लाइन खींचे तो इसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। हमने जितने भी मार्केट के लोज हैं उसको अगर कनेक्ट किया तो सही ट्रेंड लाइन खींचने का तरीका क्या है दोस्तों, कम से कम 3 पॉइंट कनेक्ट होने चाहिए, 3 टच पॉइंट्स। वैसे कई लोग 2 टच पॉइंट्स पर ट्रेंड लाइन को खींचते हैं, बट उसके उसकी वैलिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। तो मिनिमम 3 टच पॉइंट्स जब होते हैं इसका मतलब है कि प्राइस उसमें टच करके फिर बाउंस बैक करती है, ऐसा 3 बार अगर होता है और ऐसी ट्रेंड लाइन हम खींचते हैं तो उसे हम एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अब ट्रेंड लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अप ट्रेंडिंग मार्केट है, इस अप ट्रेंडिंग मार्केट को दर्शा रहा है, क्योंकि ये जो है राइजिंग ट्रेंड लाइन है जिसका इंक्लिनेशन अपसाइड में है दोस्तों, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है। और दोस्तों अगर हम देखें तो जहां मार्केट करेक्ट करता है और जहां से बाउंस बैक करता है उसे हम पिवट बोलते हैं, इसे हम पिवट बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड पिवट्स, क्योंकि ये पिवटिंग पॉइंट्स हैं जहां से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है और इन पिवट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ट्रेंड लाइन उसे ही हम बोलते हैं दोस्तों। और ट्रेंड लाइन खींचने का सबसे सही तरीका है दोस्तों कि उस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग पॉइंट कोई भी नहीं होना चाहिए, शैडो है उस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल के, इन अ वे इट इज गुड। वो क्या दर्शा रहा है दोस्तों कि जो बेयर्स थे, जो सेलर्स थे, उन्होंने प्राइस को पुश करके नीचे ले गए सपोर्ट के, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए और इस बीच में बाइंग आई, डिमांड आई और प्राइस अल्टीमेटली उस सपोर्ट लाइन के ऊपर में क्लोज हुई।
तो इसे हम पिवट्स पॉइंट बोलते हैं, जिसे ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं। और दोस्तों ये मेजर स्विंग्स होना चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, ये क्योंकि स्विंग्स के अंदर भी स्विंग्स होते हैं। अगर आप छोटे छोटे इंट्राडे टाइम फ्रेम में देखेंगे, 5 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के चार्ट में, तो आपको बहुत स्विंग के अंदर स्विंग्स नजर आएंगे। तो मार्केट कंटिन्यूअसली वेव का फॉर्मेशंस करता रहता है। तो दोस्तों अगर हम ऊपर साइड में देखें, जो मार्केट ने हाई बनाया और उसके बाद करेक्शन किया, तो इसे भी हम पिवट बोलते हैं। ये भी पिवट है और ये भी पिवट है, और इन पिवट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, जो हायर लेवल पे पिवट्स बने हैं, तो दोस्तों क्या बन गया, ये बन गया दोस्तों पैरेलल चैनल। यस दोस्तों, ये पैरेलल चैनल बन गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि मार्केट एक राइजिंग ट्रेंड में है, हायर हाइज बना रहा है और हायर लोज बना रहा है, तभी तो पैरेलल चैनल की दिशा अपसाइड में है। उसका जो इंक्लिनेशन है, उसका स्लोप जो है वो अपसाइड में है। और मार्केट इस चैनल को फॉलो कर रहा है। क्या ये हमेशा इस चैनल को फॉलो करेगा? नो फ्रेंड, ये चैनल या तो मार्केट का इंक्लिनेशन और शार्प हो सकता है, मार्केट एक्सपैंड कर सकता है, तो ये ऑब्जर्व करने वाली बात है जैसे जैसे मार्केट आगे मूव करता है। चलिए दोस्तों अब मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है, बेरिश ट्रेंड में है, तो दोस्तों डाउन ट्रेंड में या बेरिश ट्रेंड में मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, सटली वो अपोजिट होता है आप ट्रेंड का। वहां हायर हाइज बना रहा था, हायर लोज बना रहा था, यहां पे क्या करेगा मार्केट दोस्तों, लोअर हाइज बनाएगा एंड लोअर लोज बनाएगा। अब इसको पिक्टोरियल वे में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मार्केट ऊपर से नीचे आया। अब मार्केट, जैसा मैंने बोला कि अगर मार्केट गिर रहा है डाउन ट्रेंड में, दैट डज नॉट मीन दैट मार्केट विल कंटिन्यूसली फॉल, इट विल हैव वेवल फॉर्मेशन। ये वेव की तरह फॉर्मेशन इसमें भी बनेगा जब डाउन ट्रेंड में मार्केट है, जैसे अप ट्रेंड में होता है। तो दोस्तों ये इसने वेव बनाया अपसाइड में, जो मेन दिशा के अपोजिट दिशा में है, जिसे हम पुल बैक भी बोलते हैं। फिर दोस्तों यहां से मार्केट फिर नीचे दिशा में आएगा और हम देख सकते हैं कि एक नया लो बनाएगा। लेकिन जब पुल बैक हुआ ऊपर साइड में, मार्केट गया डाउन ट्रेंडिंग में, तो उसने पिछले हाई को नहीं तोड़ा। और फिर दोस्तों ये मार्केट अगेन पुल बैक देगा, मेजर ट्रेंड जो है, मेन ट्रेंड जो है, उसके अपोजिट दिशा में वेव बनाएगा या स्विंग बनाएगा, एंड फिर दोस्तों ये नीचे आएगा और नया लो बनाएगा, फिर दोस्तों ये ऊपर जाएगा और फिर नया लो बनाएगा। तो ये डाउन ट्रेंड में ये प्रक्रिया दोस्तों चलती है। अब इसमें समझना ये जरूरी है कि जब भी डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होगा या बेरिश मार्केट होगा, उस समय पे दोस्तों जो नीचे बनने वाली वेव जो है, जिसे हम इंपल्सिव वेव भी बोलते हैं, अप ट्रेंड में ऊपर जाने वाली वेव को इंपल्सिव वेव बोलते हैं, और अपोजिट दिशा में जो वेव बनती है उसे हम करेक्टिव वेव बोलते हैं। तो दोस्तों डाउन ट्रेंड में नीचे गिरने वाली जो वेव है या स्विंग है, उसे हम इंपल्सिव वेव बोलेंगे, जिसका साइज हमेशा पुलबैक वाली स्विंग जो है उससे बड़ा होगा। एंड यही कारण है दोस्तों कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाता है कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब दोस्तों ये प्रक्रिया जो है मार्केट की जारी रहती है इस तरह से, जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता है। अब दोस्तों इसे फिर हम, जैसा हमने अप ट्रेंड में देखा, इसे हम पिवट्स बोलते हैं,
ये पिवट्स बोलते हैं। और दोस्तों अगर इन पिवट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये नीचे साइड के पिवट्स हैं, ये नीचे साइड्स के पिवट्स हैं, दीज आर ऑल पिवट्स दोस्तों। और ऊपर में पिवट्स को हम ज्वाइन कर दें तो ये ट्रेंड लाइन बन गई। तो अप ट्रेंड में वो ट्रेंड लाइन जो राइजिंग थी, यहां पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी। अप ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन थी वो सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, डाउन ट्रेंड में जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। जब भी प्राइस उसको टच करती है प्राइस रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि सेलर्स पहले से बैठे हैं उस पॉइंट पे सेल करने के लिए। तो दोस्तों ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जो फॉर्मेशन होता है, जो इसका इंक्लिनेशन डाउन होता है, जिसका स्लोप नीचे की तरफ होता है, इसे हम रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बोलते हैं। एंड दोस्तों फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो बनती है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों जो शॉर्टिंग मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, जो शॉर्ट साइड में ट्रेड लेना चाहते हैं, इस समय पे जब भी ट्रेंड लाइन से प्राइस जाती है तो ये एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। और ऑब्वियसली है कि इसका पॉसिबल टारगेट जो आएगा वो जो पिछला लो है उसके नीचे जाने की संभावना है। तो जब हम ये ट्रेंड लाइन के पास में सेलिंग पोजीशन लेते हैं, शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस के पास में अपने शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट किया है। अब दोस्तों अगर हम इसमें अगर एक पिवट से पैरेलल चैनल खींचने की कोशिश करें तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो डाउन साइड की जो नीचे की जो प्राइस है, नीचे के जो पिवट्स है वो इस पैरेलल चैनल के बाहर है, जो इंडिकेट करता है कि प्राइस एक्सपेंशन जो है वो डाउन साइड में एक्सपेंशन हो रहा है प्राइस का। तो दोस्तों अब हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तीसरे टाइप के ट्रेंड, साइडवेज, रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन। तो अब हम रेंज बाउंड की स्थिति में समझते हैं कि किस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों पिक्टोरियली समझते हैं कि मार्केट नीचे आया, देन अपसाइड गया, देन मार्केट नीचे आया, अपसाइड गया, नीचे आया, अपसाइड गया, नीचे आया, अपसाइड गया। एंड दोस्तों दीज आर पिवट्स, जैसा हमने अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में देखा, रेंज बाउंड में इसके पिवट्स ये हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर अब इन पिवट्स को अपसाइड में और नीचे में अगर हम लाइन खींचें तो दोस्तों ये क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन तो बनी लेकिन ये हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन है। और जब भी ट्रेंड लाइन हॉरिजेंटल बन रही है तो मार्केट रेंज में है, तभी तो दोस्तों वो ट्रेंड लाइन हॉरिजेंटल बन रही है, जिसे हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। एंड दोस्तों नीचे साइड में अगर हम पिवट को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। तो नीचे की जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन वो सपोर्ट की तरह काम कर रही है और मार्केट इस रेंज में ऑसिलेट कर रहा है और ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो ये भी दोस्तों एक ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड क्या दर्शा रहा है कि मार्केट ना अप ट्रेंड में है और ना मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट रेंज बाउंड है, एक पर्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा है। तो दोस्तों यहां पे क्या है, ऊपर वाली लाइन जो है रेजिस्टेंस है और नीचे वाली लाइन सपोर्ट है। अब यहां रेंज ट्रेडिंग कैसे हो सकती है, जब भी प्राइस सपोर्ट के पास में आए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है,
जिसका टारगेट रेजिस्टेंस तक होगा। लेकिन अगर ये रेंज बहुत नैरो होगी तो रेंज अपॉर्चुनिटी इसीलिए नहीं बनती है दोस्तों, क्योंकि जो टारगेट है वो बहुत छोटा निकलेगा, क्योंकि कम से कम हमें जो सपोर्ट एरिया है अपने स्टॉप लॉस को, जो एवरेज ट्रू एवरेज रेंज है प्राइस की 14-day पीरियड की, उससे कम से कम एक एटीआर, जिसे एटीआर बोलते हैं, जिसे हम बाद में सीखेंगे कि किस तरह से हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं मार्केट का एनालिसिस करने के बाद, टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करने के बाद। तो अभी आप कंफ्यूज मत होइए जो लोग बिगिनर्स हैं, बट जो लोग ट्रेड करते हैं वो एटीआर समझते होंगे कि एवरेज ट्रू रेंज क्या है। अब दोस्तों हम जब सपोर्ट के पास में बाई करते हैं और हमारा टारगेट अगर रेंज नैरो है बहुत पास आएगा तो वो रिस्क रिवार्ड रेशियो में नहीं बनेगा, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर रेंज ब्रॉडर है, इसकी सपोर्ट से रेजिस्टेंस के बीच में जो रेंज है वो ब्रॉडर है, ब्रॉड है, तो ये एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है और लो रिस्क ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है कि हम सपोर्ट के पास में बाई कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के पास में सेल कर सकते हैं, और वहां पे फिर शॉर्टिंग किया जा सकता है और फिर सपोर्ट के पास में हम उसे कवर कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं, जिसे जो हमने शॉर्ट किया है उस पोजीशन को हम कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं मूविंग एवरेजेस को, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है दोस्तों जो टेक्निकल एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है। एंड दोस्तों जैसे जैसे हम जीरो टू हीरो श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और नए नए सेशंस करेंगे और फिर जाके टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे और साथ में हम बहुत सारे प्राइस चार्ट पे इसकी एनालिसिस करेंगे, तो हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज कितने उपयोगी और यूजफुल साबित होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। एंड दोस्तों इसीलिए मैं इसे मैजिकल टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर या टूल बोलता हूं, क्योंकि ये मैजिकल इसीलिए है दोस्तों, आप एक चीज को समझिए कि ये जो मूविंग एवरेजेस जो है जो प्राइस चार्ट के ऊपर में ही फॉर्म होते हैं, तो उसके वो एक रेफरेंस पॉइंट होते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम प्राइस को देख सकते हैं कि उस मूविंग एवरेज से वो कितने दूर है या कितना करीब है। तो बहुत सारी जानकारी उससे हमें मिलती है कि प्राइस जो अभी ट्रेड हो रही है वो अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड के मूविंग एवरेज के नजदीक है, तो उस वक्त पे जब वो पहले प्राइस उस मूविंग एवरेज के नजदीक थी तो उसने कैसा बिहेव किया था। ये दोस्तों उसी तरह की बात है जो हम लोग डेटम फिक्स करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी हिल स्टेशन में अगर रहते हैं और उसकी ऊंचाई 2000 मीटर्स है, तो वो 2000 मीटर्स विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, मीन सी लेवल, जो समुद्र की सतह है उससे वो 2000 मीटर ऊपर है, या आप किसी शहर में रहते हैं जो सिर्फ 200 मीटर ऊपर है। हर रेलवे स्टेशन के ऊपर में आप देखेंगे कि मीन सी लेवल से कितना वो पर्टिकुलर जगह ऊपर है वो लिखा हुआ रहता है, वो इंडिकेट करता है विथ रेफरेंस टू समुद्र की जो सतह है, मीन सी लेवल, उससे वो कितना ऊपर है। तो जिस तरह से हमें मीन सी लेवल एक रेफरेंस पॉइंट है किसी भी जगह की ऊंचाई नापने के लिए, एल्टीट्यूड नापने के लिए, उसी तरह से मूविंग एवरेज बहुत उपयोगी साबित होते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम इस चीज को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले मूविंग एवरेज है क्या। दोस्तों मूविंग एवरेज जो है वो एक, जैसा नाम है एवरेज, तो ये एवरेज प्राइस को
एक सेलेक्टेड टाइम पीरियड में वो इंडिकेट करते हैं और चार्ट के ऊपर में वो प्लॉट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर 20 पीरियड का मूविंग एवरेज सेलेक्ट किया है चार्ट के ऊपर में, तो वो 20 पिछले 20 दिनों के एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करता है और कंटिन्यूसली चार्ट के ऊपर में प्लॉट करता है। एंड दोस्तों, सिंस प्राइस एक डायनेमिक चीज है जो रेगुलर चेंज हो रही है, डे टू डे बेसिस पे चेंज हो रही है, या हम कहें हर मिनट पे चेंज हो रही है, हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, तो इसका मतलब एवरेज भी चेंज हो रहा है। अगर एवरेज चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ डायनेमिक प्राइस, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, या तो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, और इसीलिए हम इसे मूविंग एवरेज बोलते हैं, क्योंकि ये एवरेज मूव कर रहा है। और दोस्तों, जैसा मैंने अभी बोला कि ये एक बहुत वाइडली यूज्ड टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो प्राइस को स्मूथ करके चार्ट पर प्लॉट करता है। जो एक इंडिविजुअल कैंडलस्टिक होती है चार्ट के ऊपर में, वो स्मूथनेस को नहीं दर्शाती है, क्योंकि उसमें उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, उस पर्टिकुलर पीरियड का कैंडलस्टिक में मार्केट नॉइजेस भी शामिल होता है, जो शैडोज के द्वारा इंडिकेट होता है। मार्केट ओपन हुई, एक सर्टेन लेवल पे क्लोज हुई, तो ये तो कैंडल की बॉडी बन गई। अब इसके ऊपर में जो शैडो बनी, जिसे हम अपर शैडो बोलते हैं, वो हाई प्राइस इंडिकेट करती है, और लोअर शैडो लो प्राइस। इसका मतलब मार्केट का रेंज बहुत ज्यादा है, बट मार्केट डिसाइसिवली जहां क्लोज किया है वही क्लोजिंग पे उसकी करंट वैल्यू होगी, उसकी करंट प्राइस होगी। सो दोस्तों, ये प्राइस डेटा को ओवर द पीरियड स्मूथ कर देता है। मतलब अगर हमने 20 डे पीरियड सेलेक्ट किया, तो 20 डेज का जो एवरेज प्राइस है क्लोजिंग बेसिस पर, जो मार्केट का फाइनल वर्डिक्ट है, क्लोजिंग जो हुई है वो फाइनल वर्डिक्ट है, उसको स्मूथ कर देता है। अगर हमने 50 पीरियड सेलेक्ट किया है, तो 50 पीरियड पे वो स्मूथिंग आउट कर देगा। 200 दिन का सेलेक्ट किया है मूविंग एवरेज, तो वो 200 दिन के प्राइस को एवरेज ले रहा है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमें मूविंग एवरेज किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए मदद करते हैं। आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, इट्स ट्रूली अ मैजिकल इंडिकेटर। बहुत लोग बोलते हैं ये लैगिंग इंडिकेटर है, प्राइस एक्शन में इस्तेमाल नहीं होते हैं जब प्राइस एक्शन एनालिसिस की जाती है। बट दोस्तों, हमें इवन प्राइस एक्शन एनालिसिस करने के लिए मेनी अ टाइम्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा, डिमांड एंड सप्लाई जोन के अलावा, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जो हमारी एक्यूरेसी को मेनी फोल्ड एनहांस कर देता है, और वो रेफरेंस पॉइंट की तरह इस्तेमाल होते हैं ये मूविंग एवरेजेस। तो चलिए मूविंग एवरेज को हम समझते हैं किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस में वो हमें मदद करते हैं। पहला, सबसे पहली मदद ये करते हैं कि वो प्राइस चार्ट के ऊपर में, जहां कैंडलस्टिक का डे टू डे बेसिस पे फॉर्मेशन हो रहा है, ये उसी चार्ट पे प्लॉट होते हैं, तो मार्केट नॉइजेस को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है, या नॉर्मली जो आज के सॉफ्टवेयर के जमाने में आप इसे हाई लेवल पे भी सेट कर सकते हैं, अलग अलग प्राइस एलिमेंट्स पे सेट कर सकते हैं, बट कंसेप्चुअली आप समझिए, जो मार्केट पे प्राइस क्लोज होती है वो उस दिन का फाइनल एंड डिसाइसिव वर्डिक्ट होता है। तो अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे से प्लॉट करते हैं, जो अधिकतर टेक्निकल एनालिस्ट करते हैं, तो ये मार्केट की नॉइजेस को एलिमिनेट कर देता है बहुत लार्ज एक्सटेंट तक। एंड दूसरा दोस्तों,
इसका जो स्लोप है, अगर इसका स्लोप अपसाइड में मूव कर रहा है तो अपने आप में इंडिकेट करता है दोस्तों कि मार्केट अप ट्रेंडिंग है। स्लोप अगर इसका नीचे है तो अपने आप में इंडिकेट करता है दोस्तों कि मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है। सो दोस्तों, स्लोप ऑफ मूविंग एवरेज, इंक्लिनेशन ऑफ मूविंग एवरेज इटसेल्फ इज इंडिकेशन ऑफ मार्केट ट्रेंड, वेदर इट इज ट्रेंडिंग अप। तो एट अ ग्लांस हम चार्ट को देख के, मूविंग एवरेज को देख के हमें एक आइडिया लगता है कि मार्केट किस दिशा में मूव कर रहा है। एंड दोस्तों, मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। अगर ट्रेंड अप है तो इसकी दिशा भी अप दिखाएगी, और ट्रेंड डाउन है तो इसकी दिशा भी डाउन दिखाएगी, बट ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। दोस्तों, ये लैगिंग इंडिकेटर क्यों है? क्योंकि हम इसकी जो प्राइस है, इसकी जो वैल्यू है, वो कहां से डिराइव कर रहे हैं? जो मार्केट में इवेंट हो चुका है, अगर 20 पीरियड का मूविंग एवरेज की प्लॉटिंग हम कर रहे हैं चार्ट के ऊपर में, तो पिछले 20 दिन का जो इवेंट हो चुका है, जो क्लोजिंग प्राइस पिछले 20 दिन की उपलब्ध है, उसी बेसिस पे तो वो प्लॉटिंग हो रही है। तो नेचुरली इट इज डिराइविंग इट्स प्राइस फ्रॉम द पास्ट प्राइसेस, एंड हेंस इट इज अ लैगिंग इंडिकेटर। इज दैट क्लियर? सो इट इज अ लैगिंग इंडिकेटर। बट यस, अगर हम वापस अगर जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डाउ, दोस्तों डाउ डॉक्ट्रिन में हर चीज कवर की गई है। हम बहुत उछल कूद नॉर्मली अधिकतर ट्रेडर मचाते हैं, लेकिन वो सिक्स डॉक्ट्रिन्स पर मास्टरी करने की कोशिश नहीं करते हैं जिसके पीछे बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया गया है, ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं, और तब जाके 255 आर्टिकल्स लिखे गए वर्ल्ड के मोस्ट रिपोर्टेड फाइनेंशियल डेली में, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसके वो फाउंडर एडिटर थे चार्ल्स एम डाउ। तो हम जब फाउंडेशन को क्लैरिटी के साथ में समझते हैं तो सारी चीजें बहुत क्लियर होने लगती हैं, जब हम चार्ट की एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं, और उसके बेसिस पे फिर ट्रेडिंग पोजीशंस हम जब लेते हैं। तो दोस्तों, जितना लंबे पीरियड का मूविंग एवरेज होगा उतना बड़ा लैगिंग होगा उसमें। फॉर एग्जाम्पल, 200 पीरियड का जब हम मूविंग एवरेज देखेंगे तो उसमें लैग बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि पिछले 200 दिन के प्राइस का एवरेज को वो प्लॉट कर रहा है, जबकि करंटली मार्केट जो है उसमें अगर पिछले 3-4 दिनों में जो डिफरेंसेस आया है वो बहुत इंडिकेटिव नहीं होगा 200 पीरियड में। सो लैग वुड बी लार्जर अगर पीरियड इज लार्जर। और यही तो कारण है दोस्तों, अलग अलग टाइम पीरियड के, अलग अलग पीरियड के मूविंग एवरेजेस को चार्ट में सेलेक्ट किया जाता है, ताकि हम होलिस्टिकली मार्केट को समझ सकें कि उसका इंटरमीडिएट ट्रेंड कैसा है, उसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसा है, शॉर्ट टर्म व्यू क्या इमर्ज हो रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू क्या इमर्ज हो रहा है। अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं तो हमें शॉर्ट टर्म व्यू की भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हमें वो एक स्विंग्स को पकड़ना है। अब दोस्तों, हम समझते हैं, वैसे तो मूविंग एवरेजेस अलग अलग फॉर्मूला डाल के बहुत सारे टाइप के मूविंग एवरेजेस जनरेट किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एवरेजेस को जो भी इनपुट आप डालिएगा उस तरह का फिर आउटपुट मिलने लगेगा, एंड इट हैज बिकम मोर सो इजी इन मॉडर्न डे बिकॉज इट इज ऑटोमेटिकली डज द मोमेंट यू प्रोग्राम द चार्ट। बट दोस्तों, ब्रॉडली एंड कॉमनली यूज्ड जो मूविंग एवरेजेस हैं वो सिर्फ दो प्रकार के हैं, और इसीलिए हम अपना फोकस सिर्फ उन दो टाइप के मूविंग एवरेजेस पे रखेंगे,
और आगे जब हम टेक्निकल एनालिसिस करना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जीरो टू हीरो श्रृंखला में, हम ये दो मूविंग एवरेजेस के टाइप्स हैं जो वाइडली यूज होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। सो दोस्तों, वो क्या मूविंग एवरेजेस हैं? पहला तो है दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल एरिथमेटिकल मूविंग एवरेज, जिसे हम SMA बोलते हैं। और ये क्या करता है दोस्तों, एक डिफाइंड जो पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल हमने 200 डे के SMA को सेलेक्ट किया है सिंपल मूविंग एवरेज को, तो डिफाइंड पीरियड क्या हो गया, 200 डेज। तो पिछले 200 डेज की जो ट्रेडिंग हुई है, उस डिफाइंड 200 डेज के स्टॉक के प्राइस को, एवरेज प्राइस को चार्ट के ऊपर में प्लॉट करता है, और उसे हम बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज 200 और 100, व्हाट एवर पीरियड वी हैव सेलेक्टेड। एंड दोस्तों, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जैसा ये सजेस्ट कर रहा है नाम से, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे हम शॉर्ट में EMA बोलेंगे आगे से। तो दोस्तों, ये क्या करता है, ये रीसेंट प्राइस एक्शन को, जो नजदीक की कैंडल है, पिछले रीसेंट पीरियड की कैंडल है, उसका वो ज्यादा वेटेज देता है। अब वो वेटेज का फॉर्मूला क्या है, तो दोस्तों वो लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, और ये ओवर द पीरियड एक्सपीरियंस के साथ में वो फॉर्मूला जनरेट किया गया है। अगर आप उतना डीप में जाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी टेक्निकल एनालिसिस में वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, उससे ज्यादा जरूरी है हमें ये सीखना कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। सिर्फ इतना समझिए कि रीसेंट प्राइस को वो ज्यादा वेटेज देता है, और इस हिसाब से वो जो होता है ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर पिछले 5 दिनों में या पिछले 3 दिनों में प्राइस में मूवमेंट ज्यादा है, तो वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जल्दी रिफ्लेक्ट करेगा सिंपल मूविंग एवरेज के कंपैरिजन से। सो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन EMA और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फास्टर देन सिंपल मूविंग एवरेज। सो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये मूविंग एवरेज का मैजिकल इस्तेमाल क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला इसका जो इस्तेमाल है, वो है दोस्तों कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रेंड को इस्तेमाल आइडेंटिफाई करने में दो एंगल में देखा जाता है इसे। वी सी एंड ऑब्जर्व मूविंग एवरेजेस ऑन प्राइस चार्ट फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स। वन, कि उसकी पोजीशन क्या है चार्ट के ऊपर में। अब पोजीशन से मेरा मतलब क्या है दोस्तों, और तात्पर्य क्या है, क्योंकि चार्ट के ऊपर में हम कई टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज को सेलेक्ट करते हैं, तो वो एक मूविंग एवरेज की दूसरे टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज से के रिस्पेक्ट में प्लेसमेंट क्या है चार्ट के ऊपर में, पोजीशन क्या है चार्ट के ऊपर में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिंपल मूविंग एवरेज 200 सेलेक्ट किया और दूसरा मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज 100 सेलेक्ट किया, तो क्या सिंपल मूविंग एवरेज 100 सिंपल मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है या नीचे है? अगर वो ऊपर है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि पिछले 100 दिन की प्राइस का जो एवरेज है, वो पिछले 200 दिन की प्राइस से अधिक है, तो ये एक बुलिश व्यू है। तो पोजीशन ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स ऑफ मूविंग एवरेज की हम मदद लेते हैं।
दूसरा कि इन मूविंग एवरेजेस का स्लोप क्या है, अप स्लोपिंग है या डाउन स्लोपिंग है या फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, तो इसका भी बहुत रेलेवेंस है। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, कुछ सिंपल रूल बनाएंगे। होता क्या है दोस्तों, जब हम एक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करते हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करने की बात हो या ट्रेडिंग की पोजीशंस लेने की बात हो या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने की बात हो, तो होता क्या है दोस्तों, हम हर समय पे डिसीजन कंसिस्टेंट फैशन में नहीं लेते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स डू। तो वी विल समवेयर डाउन द लाइन आई विल शेयर विथ यू द वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी दैट वी फॉलो टू आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड। दूसरा दोस्तों, इसका इस्तेमाल ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं। और प्राइस की एक टेंडेंसी होती है, अगर चार्ट के ऊपर में आप गौर से देखेंगे तो उनकी टेंडेंसी होती है, और हर स्टॉक प्राइस का, हर शेयर का या हर इंडेक्स का एक टिपिकल बिहेवियर होता है, वो किसी न किसी मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेते हैं। अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है तो रेजिस्टेंस लेते हैं, और अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट है तो दोस्तों सपोर्ट लेते हैं, एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल इन ओवरऑल एनालिटिकल अप्रोच। ये ओवरऑल एनालिटिकल अप्रोच में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कीन ऑब्जर्वेशन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग एवरेज। एंड दोस्तों ये ट्रेडिंग सिग्नल की तरह काम कर सकते हैं। जब भी दो अलग अलग टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज में या तो क्रॉस ओवर होगा या क्रॉस अंडर होगा, तो क्या इंडिकेट करते हैं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल 20 पीरियड के मूविंग एवरेज ने नीचे से क्रॉस करके, मतलब क्रॉस ओवर किया 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को, तो वो क्रॉस पॉइंट क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, वो इंडिकेट करता है पिछले 20 दिन में जो बाइंग एक्शन हुई है, इस कारण से 20 पीरियड का जो एवरेज है वो 50 पीरियड के एवरेज से अधिक हो गया है, तभी तो ये क्रॉस ओवर हुआ है। सो बाइंग मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। सो बाकी और एनालिसिस को कंबाइन करके वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस क्रॉसओवर वेदर की अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन रही है कि नहीं बन रही है। और जब प्राइस क्रॉस अंडर करती है, फॉर एग्जाम्पल 20 पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉस करके 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि पिछले 20 दिन में सेलिंग फोर्स इतना था कि पिछले 20 दिन का जो एवरेज है वो कम हो गया है, गिर रहा है, और इसीलिए तो ये 50 पीरियड के नीचे आ गई है, तो 50 पिछले 50 पीरियड से लोअर हो गया है। तो क्या ये सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, क्या शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है मार्केट में? तो हम बाकी सब ऑल अदर पैरामीटर्स को देख के इसकी हेल्प ले सकते हैं इस सिचुएशन की। तो ये एक सिग्नल, एक इंडिकेशन देता है मार्केट के सेंटिमेंट्स के बारे में। और दोस्तों इसे कंप्लीटली कस्टमाइज किया जा सकता है। किसी टेक्निकल एनालिस्ट को अगर ये लगता है कि ये पर्टिकुलर पीरियड का मूविंग एवरेज इस मार्केट कंडीशन में बेहतर काम करता है,
या बहुत सारे लोग अलग अलग मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, दूसरे देशों के जो लोग हैं वो मल्टीपल मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, यूरोप में ट्रेड करते हैं, यूएसए में ट्रेड करते हैं। तो हर मार्केट कंडीशन को इवैल्यूएट करके हम एक पर्टिकुलर और टिपिकल मूविंग एवरेज मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये अराइव कर सकते हैं कि कौन से पीरियड का मूविंग एवरेज उस पर्टिकुलर मार्केट में या उस पर्टिकुलर शेयर में या उस पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडाइसेस में बेहतर काम कर रहा है। तो इसे कस्टमाइज किया जा सकता है, तो ये बहुत बड़ा यूजफुलनेस है। एंड दोस्तों, जो कॉमन टाइम पीरियड जो यूज किए जाते हैं दुनिया में वो है नॉर्मली 5 पीरियड, जो छोटे टाइम पीरियड में काम करते हैं इंट्राडे ट्रेडर है, 10 पीरियड, 20 पीरियड, 30 पीरियड, 50 पीरियड, 100 पीरियड, 200 पीरियड, ये जो है कॉमनली एक ब्रॉडर रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब दोस्तों, अगर देखें 5 डे पीरियड का मूविंग एवरेज क्या इंडिकेट करता है, पिछले 5 दिन के एवरेज को अगर आप गौर से सोचें तो 5 डेज मतलब 1 वीक होता है, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो 5 डेज का मूविंग एवरेज 1 वीक को बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है प्राइस चार्ट के ऊपर में। एंड दोस्तों, 10 पीरियड 2 वीक्स, 20 पीरियड 4 वीक्स, क्योंकि एक महीने में करीब 20 से 22 आपके ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो इस तरह से अगर 200 डे की बात करें तो यह करीब 1 साल का व्यू दिखाता है। वैसे 200 से अधिक होते हैं ट्रेडिंग डेज 1 साल में बाय एंड लार्ज, बट एक वाइडर कंसेप्ट दुनिया में बन गया है 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेजेस को या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल करने का। लॉन्ग पीरियड में इट हार्डली डजंट मेक मच डिफरेंस वेदर यू यूज SMA और EMA, क्योंकि लैग जो है वो बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा लंबे पीरियड में। अब दोस्तों, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, कई लोग पूछते हैं कि कौन सा मूविंग एवरेज है जो राइट है, किस पीरियड का मूविंग एवरेज हम सेलेक्ट करें जो एकदम सही हो। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताता हूं कि ऐसा कोई भी मूविंग एवरेज नहीं है जिसे हम परफेक्ट बोल सके या राइट बोल सके कि इस पीरियड का मूविंग एवरेज परफेक्ट है। और इसीलिए अलग अलग टेक्निकल एनालिस्ट मार्केट बिहेवियर को स्टडी करते हैं डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में और उस टाइम पीरियड को कस्टमाइज करते हैं अपने अनुसार, अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार। सो दोस्तों, क्या फिर होना चाहिए अप्रोच? द राइट अप्रोच इज टू एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट करें अलग अलग पीरियड्स को सेलेक्ट करके और चेक करें प्राइस चार्ट के ऊपर में कि कौन सा टाइम पीरियड बेहतर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, वो कौन सा पीरियड है अगर वो अच्छे से काम कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो हम उसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डूइंग लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑन प्राइस चार्ट। नाउ आई विल शेयर मैं क्या इस्तेमाल करता हूं। तो मैं इस्तेमाल करता हूं दोस्तों 4 मूविंग एवरेजेस, 2 सिंपल एंड 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज में सिंपल मूविंग एवरेज 233,
एंड सिंपल मूविंग एवरेज 89 पीरियड। एंड शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55। अब आप दोस्तों देखिए, ये जो एक ब्रॉडली जो यूज होते हैं ईएमए 20 और ईएमए 50 या एसएमए 20 एसएमए 50, उससे लिटिल डेविएशन है। 20 की जगह 21 और 50 की जगह 55। आप चाहें तो 20 एंड 50 भी यूज कर सकते हैं, और एसएमए 200 की जगह एसएमए 233 और एसएमए 100 की जगह एसएमए 89। अब इसके पीछे दोस्तों कारण यह है कि जो मैंने सेकंड पॉइंट बोला कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, कई ऑब्जर्वेशंस के बाद अगर आप इस चैनल के ऊपर में बहुत सारे वीडियो देखेंगे दोस्तों, तो 5-6 महीने के पहले वीडियो पे 20 एंड 50 इस्तेमाल किया जा रहा था एंड 200 एसएमए 200 एंड एसएमए 100 इस्तेमाल किया जा रहा था, बट सब्सिक्वेंट वीडियोस में अबाउट पास्ट 2 मंथ्स, थ्री मंथ्स समझिए या 4 मंथ्स से वी आर यूजिंग एसएमए 233, एसएमए 89, एसएमए 21, ईएमए 21 एंड ईएमए 55 बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। एंड दूसरा दोस्तों, ये जितने भी नंबर्स हैं 21, 55, 89, 233, ये फिबोनाची सीक्वेंस है। जब हम फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन और सब वो चीजें सीखेंगे, तो हम देखेंगे कि फिबोनाची जो सीक्वेंस है वो कितने नेचर में हमें उपलब्ध होते हैं और प्राइस चार्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है दोस्तों, ये ट्रेडर के जो एक्शंस है मार्केट में उन्हीं से तो हो रहा है। और ट्रेडर कौन है? हम और आप। अगर हम और आप ट्रेडर हैं तो हम भी तो ये नेचर का हिस्सा हैं, हमारे इमोशंस भी तो उसी तरह ऑपरेट करते हैं। तो इसको प्लॉट करने से ये क्लोजली मार्केट में काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये मार्केट कंडीशंस, स्पेशली हमारे इंडियन मार्केट कंडीशंस में ये काफी हद तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, जो हम आगे आने वाले सेशंस में इस पे भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे। इवन इन दिस सेशन आल्सो आई विल शो यू समथिंग, जब हम कुछ एग्जांपल आज के दिन लेंगे। सो दोस्तों इसे पूरा देखिएगा, डोंट स्किप, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है और ये एक इंसाइट देगा जो बेसिक लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का। सो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं गोल्डन क्रॉस क्या है और डेथ क्रॉस क्या है। तो दोस्तों गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस ये दो एक ब्रॉडर मार्केट कंडीशंस हैं, जो एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज पे डिफाइन किए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं दोस्तों, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस एक दूसरे के अपोजिट है। जैसा नाम सजेस्ट करता है गोल्डन क्रॉस, ये बुलिश व्यू दिखाता है, और डेथ क्रॉस जैसा नाम सजेस्ट करता है बेरिश व्यू दिखाता है। अब दोस्तों गोल्डन क्रॉस कब होता है? जब भी गोल्डन क्रॉस होता है तो वो दर्शाता है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में मार्केट के एक्सपेक्टेशन चेंज हो रहे हैं। मार्केट जो अभी तक बेरिश था वो आगे जाके एक बुलिश व्यू लेने की संभावना है, और आगे जाके मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन करने जा रहा है, जो कि डेफिनेशन और परिभाषा है अप ट्रेंडिंग मार्केट की,
बुलिश मार्केट की। एंड दोस्तों, जो डेथ क्रॉस है वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि अब मार्केट के एक्सपेक्टेशन, जो अभी तक बुलिश व्यू था, वो अब बेरिश होने जा रहे हैं। तो आगे वाले दिनों में मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन करने की संभावना प्रबल हो जाती है। बट क्या ये गारंटी है? तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस प्रोबेबिलिटी का गेम है, और तभी तो, अगर गारंटी होती तो फिर स्टॉप लॉस क्यों होता, रिस्क मैनेजमेंट की बात क्यों होती, मनी मैनेजमेंट की बात क्यों होती, पोजीशन साइजिंग की बात क्यों होती? तो ये एक मार्केट को एनालाइज करने का एक टूल है। ये मार्केट कंडीशन जब होगी तो हमारा मार्केट के प्रति नजरिया, बायस चेंज होना चाहिए। हम अभी लॉन्ग ट्रेड के मोड में थे तो शॉर्ट ट्रेड के मोड में आ जाएं, ये शॉर्ट ट्रेड के मोड में थे तो लॉन्ग ट्रेड के मोड में आ जाएं, और वैसी ही अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करें बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑन द चार्ट। और तभी तो दोस्तों, आई कैन डू फ्रेंडशिप विद ट्रेंड, ट्रेंड इज माई फ्रेंड। मेनी अ टाइम्स एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर अक्रॉस द ग्लोब हैव सेड इट। दिस कैप्शन हैज बिकम वेरी पॉपुलर। अगर आप ट्रेंड के, यस, बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर है जो काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बनाते हैं, वेरी रिस्की दोस्तों, बट यस, देर आर पीपल हु टेक्स अप। बट वॉट वी वॉन्ट टू टेक लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स बट क्वालिटी ट्रेड्स। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ज्यादा ट्रेड करें, ये जरूरी है कि हम क्वालिटी ट्रेड लें। तो दोस्तों, गोल्डन क्रॉस को समझते हैं। तो गोल्डन क्रॉस दोस्तों, जब सिंपल मूविंग एवरेज 50 क्रॉस करके ऊपर चली जाती है सिंपल मूविंग एवरेज 200 के, तो इसे ब्रॉडली कहा जाता है कि गोल्डन क्रॉस हैज टेकन प्लेस। ये गोल्डन क्रॉस हो गया 50 पीरियड के सिंपल मूविंग एवरेज ने, जब 200 पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करके ऊपर में चले गए, क्रॉस ओवर जब हुआ तो गोल्डन क्रॉस ओवर है। अब मार्केट की जो दिशा है, एक्सपेक्टेशन है, उसके चेंज होने की, जो अभी तक बेरिश था, अब बुलिश होने की संभावना बढ़ जाती है। एंड दोस्तों, इसके तीन स्टेजेस हैं, गोल्डन क्रॉस के तीन स्टेजेस हैं। और वो स्टेजेस क्या हैं जो गोल्डन क्रॉस से लिंक्ड है, इसको इंटरप्रेट करने का तरीका है। और वो है कि सेलिंग जो प्रेशर था अभी तक, गोल्डन क्रॉस होने के पहले तक, वो सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं डाउनसाइड मोमेंटम में गिरावट आई है, सेलिंग प्रेशर कम हुआ है, जो शायद डाउन ट्रेंड को की समाप्ति का इंडिकेशन है। दूसरा दोस्तों, अगर इस तरह का क्रॉसओवर हुआ है तो क्या एक्यूमुलेशन फेस ऑब्जर्व किया जा सकता है चार्ट पर? मैं आपको वो सारे नजरिया डिस्कस कर रहा हूं जो चार्ट पे इन की इवेंट जब होते हैं। ये तो एक इवेंट है ना कि 50 ने 200 को क्रॉस किया और गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, तो ये एक इवेंट है। और इस इवेंट के समय में हमारे चार्ट में ऑब्जर्वेशन का तरीका क्या होना चाहिए, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या एक्यूमुलेशन फेज नजर आ रहा है चार्ट में? अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ चार्ल्स एम डाउ, क्या कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स नजर आ रहा है चार्ट पैटर्न्स और प्राइस पैटर्न नजर आ रहा है? ऑफ कोर्स, प्राइस पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न पे दोस्तों, जो नए लोग हैं, शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें नहीं आइडिया है, उनके लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जीरो से हीरो श्रृंखला में,
वो एक एक चीज को इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे ताकि कंसेप्ट होलिस्टिकली क्लियर हो सके. देर शुड नॉट बी एनी ट्रेस ऑफ कंफ्यूजन. तो क्या इस तरह के प्राइस पैटर्न इमर्ज हो रहे हैं जो डाउ प्रिंसिपल्स के हिसाब से, डाउ डॉक्ट्रिन के हिसाब से एक डेफिनेटिव डेफिनेट सिग्नल दे रहे हैं चेंज इन दी ट्रेंड? क्योंकि दोस्तों ट्रेंड में मार्केट मूव करता है और ट्रेंड इंटैक्ट रहता है जब तक वो सिग्नल ना दे, डेफिनेट सिग्नल ना दे. एंड क्या पोस्ट ब्रेकआउट अब कोई ऐसा प्राइस पैटर्न बना है जिसमें ब्रेकआउट होने पर मार्केट की शुरुआत है कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जाने की, हायर हाइज हायर लोज बनाने की? तो गोल्डन क्रॉस इस दिशा में हेल्प करता है. अब दोस्तों हम समझते हैं डेथ क्रॉस, ये जस्ट अपोजिट है दोस्तों. डेथ क्रॉस क्या है दोस्तों? कि जब सिंपल मूविंग एवरेज 50 पीरियड की जो है ऊपर से नीचे क्रॉस करके सिंपल मूविंग एवरेज 200 के नीचे में आ जाती है, मतलब क्रॉस अंडर हो जाता है, तो उसे डेथ क्रॉस कहा जाता है. अब ये क्या सिग्निफाई करता है दोस्तों? कि मार्केट जो अभी तक बुलिश व्यू था, पॉसिबली एक्सपेक्टेशन मार्केट के चेंज हो रहे हैं और आने वाले दिनों में मार्केट बेरिश व्यू दिखा सकता है, मतलब लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन आगे वक्त में हमें दिखाई देगा. अब दोस्तों अगर हम डेथ क्रॉस के हिस्टोरिकल टाइम को देखें, क्योंकि जैसा मैंने दोस्तों बोला कि मार्केट का बुलिश पीरियड जो होता है वो हमेशा टेन्योर लंबा होता है, बेरिश फेज नॉर्मली बुलिश फेज से कम होता है, माने इंपल्स जो होते हैं वो अपसाइड में हमेशा ज्यादा होते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन. तो डेथ क्रॉस ऑब्जर्व किया गया था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अमेरिकन मार्केट तो बहुत पुराना स्टॉक मार्केट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट्स इन द वर्ल्ड. तो 1929 एक बहुत बड़ा रिसेशन चालू हुआ था दोस्तों, फिर 1938 एंड उसके बाद 1974 इन ग्लोबल मार्केट्स. क्योंकि इस पीरियड का 1929, 1938, 1971 हमारे देश में स्टॉक मार्केट का इनफ डेटा चार्ट के ऊपर में उपलब्ध नहीं है. व्हेन रिसेशन स्टार्टेड इन दिस पीरियड, और इस वक्त पे डेथ क्रॉस हुआ था. एंड दोस्तों कौन भूल सकता है रीसेंट टाइम में, वी ऑल रिमेंबर 2008 जो हमने अपने देश इंडिया में भी ऑब्जर्व किया है. जनवरी 2008 वाज द कमेंसमेंट ऑफ बेयर मूव, बेयर रन, बेरिश मूव, डाउन ट्रेंड, व्हाट एवर यू कॉल इट. तो 2008 में भी डेथ क्रॉस देखा जा सकता है. बट दोस्तों क्या ये फूल प्रूफ है? क्या ये फेल नहीं होते हैं? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं दोस्तों. मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये एक सिग्नल देखते हैं. बहुत सारे लोगों ने 2008 में बोला कि बहुत बड़े पैसे का नुकसान हो गया. अगर मान लीजिए वो डेथ क्रॉस के बारे में जानते होते और चार्ट पे देख लिए होते तो शायद मार्केट से एग्जिट कर जाते, लॉस तो होता, शायद इतना बड़ा लॉस नहीं होता. और या फिर वो नीचे से बहुत कम भाव से लेके स्टॉक को ट्रेंड में थे, क्योंकि 2003 से 2008 तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट इंडिया में चला है, तो उन्होंने अगर राइट वैल्यूएशन पे नीचे में लिया था और ट्रेंड को राइट कर रहे थे तो शायद प्रॉफिट बुक करके निकल जाते. तो मैं ऐसा कतई नहीं बोल रहा हूं दोस्तों कि एक फूल प्रूफ है, बट यस ये एक वार्निंग सिग्नल जरूर है दोस्तों. और जब हमें इसी इस तरह की वार्निंग मिलती है तो हमारे ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाने चाहिए,
हम अलर्ट हो जाना चाहिए. दीज आर ऑल अलर्ट्स बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जर्वेशंस. अगेन डाउ डॉक्टर ने क्या बोला, पास्ट में प्राइस एंड वॉल्यूम की स्टडी को ही तो हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. अब दोस्तों हम वो बात करते हैं 2016 में. अगर आप निफ्टी का चार्ट खोल के देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट में आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली नवंबर या दिसंबर की बात है, एंड ऑफ 2016 जहां पर डेथ क्रॉस हुआ था, और उसके बाद 2018 वेरी रिसेंटली मैं बता रहा हूं, ये भी करीब एंड ऑफ 2018 है जहां डेथ क्रॉस हुआ था. अब चार्ट के ऊपर में सिंपल मूविंग एवरेज 50 एंड सिंपल मूविंग एवरेज 200 को प्लॉट करके देखिए और ऑब्जर्व कीजिए पीछे जाके कि कहां कहां डेथ क्रॉस हुए हैं, तो 2016 में एंड में मिलेगा और एंड ऑफ 2018 मिलेगा. बट सर ये डेथ क्रॉस फाइनली जाके फॉल्स सिग्नल्स प्रूव हुए, बट यस एक अलर्ट था. वो अलर्ट में अगर मान लीजिए हम स्टॉक में पोजीशन में प्रॉफिट में बैठे हैं और उस समय पे अगर हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं और कैश पे बैठते हैं कुछ दिनों तक, जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता, क्लियर इंडिकेशन नहीं देता, तो ये एक सिग्नल हो सकता है. क्योंकि जब ये डेथ क्रॉस हुआ एंड ऑफ 2016 या एंड ऑफ 2018 में, तो ये हमें नहीं मालूम था कि ये 1929 का सिनारियो होगा कि नहीं होगा, 2008 का सिनारियो होगा कि नहीं होगा, आई डू नॉट नो. एंड दुनिया में कोई भी आदमी ये चीज नहीं बोल सकता है. तो ये अलर्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, क्योंकि ये हिस्टोरिकली हमसे कुछ कहना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा. तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बात की, हमने ट्रेंड लाइन के बारे में बात की, हमने चैनल्स के बारे में भी बात की, पिवट्स के बारे में बात की, सो गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस, सो मेनी थिंग्स वी हैव लर्न्ड. अब हम इसे बुलिश मार्केट में, जो मार्केट का ओवरव्यू बुलिश है, उसमें इसको एक्चुअल प्राइस चार्ट के ऊपर में एक एग्जांपल लेते हैं, ताकि वो सारी चीजों को कंबाइन करके हम एक जगह पे देखें कि किस तरह से मार्केट बुलिश व्यू, जब मार्केट का रहता है, ट्रेंड अप ट्रेंड होता है या बुलिश ट्रेंड होता है, तो किस तरह से वो प्राइस चार्ट के ऊपर में रिफ्लेक्ट होता है. तो दोस्तों हम इसमें डिस्कस करेंगे पिवट्स के बारे में, प्राइस चार्ट के ऊपर में हम देखेंगे ट्रेंड लाइंस, चैनल्स एंड दोस्तों मूविंग एवरेजेस एंड दोस्तों गोल्डन क्रॉस, और इन सब चीजों को कंबाइन करके एक व्यू समझने की कोशिश करेंगे, जो आगे आने वाले सीरीज में जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जीरो टू जीरो श्रृंखला में, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन कर सकें, ताकि हमारा माइंड उस दिशा में ऑब्जर्व करने की एबिलिटी को एनहांस कर सके. तो चलिए दोस्तों हम ये प्राइस चार्ट को देखते हैं. अब इस प्राइस चार्ट के ऊपर में देखें तो ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ये ड्रॉ की हुई है नीचे के पिवट्स पे और ऊपर के पिवट्स पे. तो ये एक राइजिंग चैनल है, और जब ये राइजिंग चैनल है और पैरेलल चैनल है, तो दोस्तों नीचे की लाइन जो है वो एक ट्रेंड लाइन है, और ऊपर की लाइन जो है वो पिवट्स को ज्वाइन करके बनाई गई है. तो इसका अर्थात यह हुआ कि चैनल कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये दो ट्रेंड लाइन का कॉम्बिनेशन है जिसे हम चैनल बोलते हैं. तो अब दोस्तों अगर हम देखें तो ये एक पिवट पॉइंट है, यहां पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, फिर इस जगह पे सपोर्ट लिया और इस जगह पे सपोर्ट लिया. अब आप गौर से देखें दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेंड ऑफ द मार्केट, कि ये सारे लोज जो है
जो सारे लो बने हुए हैं, जो एरो से दर्शाए गए हैं, ये दोस्तों एक दूसरे लो से हायर है। तो हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड दोस्तों अगर ऊपर के हम पिवट को ड्रॉ करें तो ये देखिए प्राइस रिजेक्शन है चैनल के ऊपर में, प्राइस रिजेक्शन है, प्राइस रिजेक्शन है। तो ये दोस्तों जो ऊपर के पॉइंट है एक दूसरे से हायर है। सो दोस्तों हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ऑब्वियसली बहुत क्लियर है कि ये एक बुलिश ट्रेंड में ये पर्टिकुलर स्टॉक है। अब दोस्तों हम आगे अगर इसको देखें तो ये तीन से अधिक टच पॉइंट है सब जगह। नीचे भी आप सपोर्ट को देखें तो तीन या तीन से अधिक टच पॉइंट है। हम जितनी भी एनालिसिस करेंगे दोस्तों, जब तक मिनिमम 3 पॉइंट्स पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह टच ना करे या फिर रेजिस्टेंस की तरह टच ना करे तो वो इस्टैब्लिश्ड हम उसे नहीं मानेंगे। एंड वो इसीलिए दोस्तों ऐसा करने से हमारी टेक्निकल एनालिसिस की एक्यूरेसी जो है वो काफी एनहांस हो जाती है, मैनिफोल्ड इंप्रूव कर जाती है। तो दोस्तों अब ये देखें नीचे की जो ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट है, जो अभी हमने देखा पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से। अब यहां पे वही चीज को हम एक्चुअल चार्ट के ऊपर में देख रहे हैं। एंड दोस्तों यहां पे अगर गौर से देखें तो ये एक ये इसमें पहले मैं कलर आपको एक्सप्लेन कर दूं, इस चार्ट के ऊपर में ये जो लाइन है ग्रे कलर की, ये SMA 200 है। ये ऊपर की लाइन जो है पिंकिश टाइप की वो है SMA 89, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो है दोस्तों EMA 55, एंड ये ग्रीन कलर की लाइन है दोस्तों वो है EMA 21। अब दोस्तों यहां पे अगर हम देखें तो ये ब्लू कलर की लाइन ने ये इस जगह पे, ये मैं लाइन खींच रहा हूं गौर कीजिएगा, इस जगह पे ग्रे कलर की लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली गई। तो ये दोस्तों गोल्डन क्रॉस है और हम देख सकते हैं उसके बाद स्टॉक ने किस तरह से फिनोमिनल अप ट्रेंडिंग मूव दिया है। दोस्तों दूसरे गौर करने वाली बात है, मैंने बोला था मूविंग एवरेज जो है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अब यहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये मार्केट ने इस जगह पे ऊपर में गया और यहां करेक्ट लिया। तो हम यहां देख सकते हैं कि बहुत क्लियरली EMA 21 के ऊपर में प्राइस ने सपोर्ट लिया और फिर अप मूव जारी हो गया। दूसरा इस जगह पे हम देखें तो प्राइस ने यहां करेक्शन लिया, अपसाइड गया, यहां पर EMA 21 पे करेक्शन लिया और सपोर्ट लिया, और इस जगह पे EMA 55 पे सपोर्ट लिया। अब दोस्तों ये क्लियर हो जाता है कि अप ट्रेंडिंग मार्केट में EMA 21 एंड EMA 55 एक अच्छे सपोर्ट के रूप में काम करते हैं जब भी प्राइस ऊपर जाती है। जैसा हमने डिस्कस किया कि प्राइस स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, रिट्रेसमेंट होगा, करेक्शन होगा, पुल बैक होगा, तो वो नॉर्मली आप देखिए EMA 21 एंड EMA 55 एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब ये सपोर्ट का रेलेवेंस क्यों हो जाता है दोस्तों, जब EMA 55 पे सपोर्ट लिया तो ये एक कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है जहां पे ट्रेंड लाइन भी मीट कर रही है और EMA 55 भी मीट कर रहा है। तो दैट बिकम्स विद अ हायर वैलिडिटी। तो हम देख सकते हैं इस जगह पे फिर EMA 21 पे सपोर्ट लिया। सो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि EMA 21 एंड EMA 55 एक अच्छे सपोर्ट के रूप में काम करते हैं, या SMA 200, SMA 89 एक अच्छे सपोर्ट के रूप में काम कर सकते हैं।
अब इसके अलावा हम देखें, ये पिवट हमने डिस्कस कर लिया, ये पिवट है, ये पिवट है, ये पिवट है, ये पिवट है, ये सपोर्ट है, पिवट, पिवट, गोल्डन क्रॉस, मूविंग एवरेजेस, चैनल। तो दोस्तों हाउ, ये सारी चीजें जो हमने एक अलग अलग तरीके से डिस्कस की वो एक चार्ट के रूप में हमें दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों अब हम सिमिलर एग्जांपल एक लेते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में है। तो दोस्तों इसमें भी हम पिवट्स को देखेंगे, इसमें भी हम ट्रेंड लाइंस को देखेंगे, इसमें भी हम चैनल को देखेंगे और इसमें भी दोस्तों मूविंग एवरेज को देखेंगे एंड इस जगह पे गोल्डन क्रॉस की जगह डेथ क्रॉस को आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए ये चार्ट को देखते हैं। हम यहां देख सकते हैं कि प्राइस ये नीचे करेक्शन हुआ, ऊपर गई, यहां पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया, इस जगह पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया। ये सारे एरो डाउनवर्ड दिखाए गए हैं दोस्तों, ये एरो देखिए, ये एरो देखिए। तो ये जो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है एंड प्राइस का रिजेक्शन हो रहा है जो फॉलिंग मार्केट में हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मल्टीपल टाइम्स हम देख सकते हैं। तो ये एक जैसे ही वो प्राइस टच करती है इस ट्रेंड लाइन को, फॉलिंग ट्रेंड लाइन को, प्राइस नीचे करेक्ट करती है, जैसे ये टच करती है फिर नीचे करेक्ट करती है। तो ये पॉइंट एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है डाउन ट्रेंड में। अब दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जो है फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, इसका मतलब प्राइस में डाउन साइड में एक्सपेंशन हो रहा है। प्राइस नीचे गिरी, लो बनाया, यहां पे लोअर लो बनाया, यहां पे फर्दर लोअर लो बनाया। तो लोअर हाइज, इस हाई से ये वाला हाई लोअर है, इससे ये वाला लोअर है, ये इससे ये लोअर है। तो लोअर हाइज एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट इज ट्रेंड एनालिसिस। नंबर टू, अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये पर्टिकुलर जो क्रॉस दिखाया गया है, ये डेथ क्रॉस है। यहां पर ब्लू कलर की लाइन ने क्रॉस करके ग्रे कलर की लाइन को क्रॉस अंडर किया है, नीचे आ गई है, तो ये डेथ क्रॉस है। और हम देख सकते हैं डेथ क्रॉस के बाद मार्केट कितना स्टीप फॉल किया है। तो दोस्तों बुलिश मार्केट में हमने देखा ईएमए 21, ईएमए 55 एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, तो क्या यहां पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है? तो हम देख सकते हैं ये मार्केट यहां से फॉल किया, इसके बाद मार्केट ने ये पुल बैक लिया। आप ये देखिए ईएमए 55 से रिजेक्शन हुआ, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर यहां पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ईएमए 55 यहां पर भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। सो हम देख सकते हैं कि इस जगह पे करीब करीब ईएमए 55, ईएमए 21 दोनों पास पास में है। तो यस, ईएमए 25, ईएमए 55 तो की रेजिस्टेंसेस, जो मूविंग एवरेजेस हैं, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं दोस्तों। अगर हम स्लोप की बात करें तो हम देख सकते हैं सिंपल मूविंग एवरेज 200 जो ग्रे कलर की लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये सारे मूविंग एवरेज ईएमए 55, ईएमए 21 सारे डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो एक विजुअली हमको पता लगता है कि मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है। सो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और ये मैंने दिखाया रेजिस्टेंस है, ये आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इज रेजिस्टेंस लाइन। सो हर जगह पे प्राइस जब रेजिस्टेंस पे पहुंचेगी और रिजेक्शन हमें दिखाई देगा तो ये एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। अब बुल ट्रेंड में जब पर प्राइस नीचे करेक्ट होके आएगी सपोर्ट के पास में एंड बाउंस बैक दिखाएगी तो वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो इसी को दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसको हम कैसे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं और कैसे हम इसको रूल बेस्ड बना सकते हैं ताकि हमारे इमोशंस अफेक्ट ना करें, वो हम आगे जाके धीरे धीरे जैसे जैसे जीरो टू हीरो श्रृंखला में बढ़ेंगे हम उसे भी सीखेंगे।
अब दोस्तों साइडवेज मार्केट को जल्दी से डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने अप ट्रेंड देख लिया, बुलिश मार्केट देख लिया, बेरिश देख लिया, डाउन ट्रेंड देख लिया। अब चलिए हम देखते हैं इसमें भी पिवट, ट्रेंड लाइंस, चैनल, मूविंग एवरेज एंड दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब दोस्तों ये है हमारा प्राइस चार्ट, जो आप यहां देख सकते हैं कि प्राइस इस रेंज में ट्रेड हो रही है। प्राइस यहां से ऊपर जाती है, ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करके फिर नीचे रिजेक्ट होके आती है, नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करती है फिर ऊपर जाती है। तो ये पिवट 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 एंड सिमिलरली ऊपर में रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो ये एक साइडवेज मार्केट है जो एक रेंज में प्राइस ऑसिलेट कर रही है, मूव कर रही है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ऊपर में खींची और नीचे, ये भी दोस्तों ट्रेंड लाइन है, केवल ये हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन तभी बनेगी जब मार्केट साइडवेज होगा और रेंज में मूव करता होगा। तो ये रेंज ट्रेडिंग में क्या है दोस्तों, जब प्राइस टच करके सपोर्ट पे आती है इस पॉइंट पे हम बाई कर सकते हैं, और जैसे ही ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस जगह पे हम सेल कर सकते हैं, इस जगह पे हम सेल कर सकते हैं, और जैसे मार्केट नीचे रिजेक्शन दिखाए ऊपर के रेजिस्टेंस से हम नीचे। तो रेंज में ट्रेडिंग भी होती है, बट रेंज ब्रॉडर इनफ होना चाहिए ताकि रिस्क रिवार्ड रेशियो में वो फेवरेबल ट्रेड बने। तो ये रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों और ये सपोर्ट हो गया। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें, थम्सअप दें, और जितने अधिक थम्सअप मिलेंगे मिलेंगे मुझे उतनी खुशी होगी दोस्तों। एंड दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों में, जानकार लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पे इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इस तरह की स्टडीज का फायदा हो सके, इस तरह के ट्यूटोरियल्स का फायदा हो सके, और वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो एक फ्री यूट्यूब चैनल है इस परिवार का हिस्सा बन सके। एंड दोस्तों अगर आप चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपके राइट साइड में एक क्लिक बटन है, उसे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। एंड दोस्तों केवल सब्सक्राइब करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपको बेल आइकन को भी एनेबल करना होगा, क्योंकि YouTube की पॉलिसी के तहत आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे जब तक आप बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए एनेबल नहीं करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और इस परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद देखने के लिए दोस्तों।